माशाल्लाह आपका घर काफी बड़ा है। मुझे तो आप लोगों के घर का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, काफी आर्टिस्टिक टच दिया हुआ है आप लोगों ने। किसे डिजाइन करवाया है? एक्चुअली आलिया भाभी ने खुद डिजाइन किया है। वाओ रियली? मुझे तो आपको दाद देनी पड़ेगी, बिजनेस के साथ साथ घर को भी आपने इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। कबीर तुम नवाल फलक को जाकर घर दिखाओ ना, शो देम योर रूम। जी भाभी बिल्कुल, आप प्लीज कम। दिस इज माय रूम, होपली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा है? अच्छा, इट्स नाइस। सॉरी वन सेकेंड, मैं बस ये फोन अटेंड करके आई। अच्छा, कब की तारीख रखना चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग तो चाह रहे थे जी कि इसी माह की कोई तारीख रख लें। फलक के पेपर्स हैं नेक्स्ट वीक से, और एक हफ्ता तो पेपर्स खत्म होने में ही लग जाएगा, फिर तैयारियां भी करनी होंगी। आप चाहें तो अगले महीने की कोई भी तारीख रख लें। ठीक है, फिर अगले महीने का पहला जुम्मा कैसा रहेगा? नेक काम है, दिन भी मुबारक है। ठीक है, जुम्मा ठीक रहेगा। क्यों सुल्ताना? भाई मैं तो चाह रही थी कि तैयारी के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को बेहतर लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। देखिए हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम जहेज नहीं लेंगे। ऐसा जहेज जो लड़की के घर वालों पर बोझ बन जाए, ऐसे जहेज पर तो लानत है, हम नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम आलिया, लेकिन बेटियों को खाली हाथ तो रुख्सत नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ तो देना ही होता है ना। सुल्ताना फजूल की जिद मत करो, ये लोग ठीक तो कह रहे हैं। जी जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। देखिए मैं आपको कह रही हूँ ना, आप बेफिक्र हो जाएं, हम फलक को इस घर की बेटी बना कर ला रहे, बहू नहीं। बहुत शुक्रिया, आई ट्रस्ट यू।